भारत विच सरकार प्रति किसानां दा रोस लगातार वधदा जा रहा है। सरकार वल्लों जो किसानां दे हित विच दसे जा रहे बिल पास किए गए ने उन्हां विरुद्ध हर पासे सख्त एतराज जताया जा रहा है। जी हाँ, पहला तो यह विरोध भारत के वक्त-वक्त कोनियां विच विखाई दे रहा है, पर किसान की आवाज प्रवासी भारतीय भी हुण चुकते विखाई दे रहे हैं। गल करिए कैलिफोर्निया की, तो सैन फ्रांसिस्को विच स्थित भारतीय कौंसलेट के बाहर वड्डी गिनती विच लोकां दा इकट्ठ विखाई दिता, जिस विच ना सिर्फ किसान विखाई दिते बल्कि वख-वख सिख जथेबंदियां ने मिलके जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया ते किसानां दे हक विच आवाज चुकी है। मोदी गवर्नमेंट किसान मजदूर एकता, केंद्र गवर्नमेंट जी जी किसानां दे हक विच नारेबाजी करदे इह प्रदर्शनकारी पंजाब नाल संबंधित नहीं, पर इह प्रदर्शन पंजाब तो हजारां किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया दे सैन फ्रांसिस्को विच स्थित भारतीय कौंसलेट दफ्तर दे बाहर कीता गया। मकसद सी भारत दे खास करके पंजाब दे किसानां नूं इह दसना कि उहनां दे प्रदर्शनां विच उह इकल्ले नहीं बल्कि प्रवासी भारती भी उन्हां दे नाल खड़े ने। प्रदर्शनकारियों विच ओह लोग भी शामिल होए जिन्हां दा पिछोकड़ किसानी नाल है, अते ओह लोग भी वेखे गए जिन्हां नूं पंजाब दे किसानां दी परवाह है। सब ने एक सुर विच कहा कि भारत सरकार वल्लों पास किए गए बिल किसान विरोधी ने, अते फिर अपनी आवाज़ नूं बुलंद करदियां इन्हां प्रदर्शनां दौरान 8 वख-वख मते भी इन्हां प्रवासी भारतीयों वल्लों किसानां दे हक विच पास किए गए। और तुहानूं भी दस्सां आखर की कहते ने यह 8 मते। भारतीय मोदी भाजपा सरकार वालों थोपे गए नवे किसानी कानून तो बिटे संघर्ष की कैलिफोर्निया संगत प्रदेश हमायत कर दिया है। भारतीय मोदी भाजपा सरकार वालों योजनाबद्ध तरीके लेके इस फैसले में सिर्फ किसानी का जोर कहीं ना देखा जाए बल्कि इस जवानी किसानी खुशहाली और सभ्याचार के खात्मे की शुरुआत समझा जाए। सरकार की इस माड़ी नीति को पंजाबियों वालों बिटिया संघर्ष शलांघा योग है। इस अंदोलन में योगदान पा रहे किसानों मजदूर पंजाबी अदाकारा कलाकारों का उचेचे तौर पर धन्यवाद और शलांघा की जाती है। किसान की फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो MSP जो कहते हैं का अधिकार किसानों और सूबा सरकार को होना चाहिए है। किसानों को अपनी जिनस विदेशों में भी बेचने की पूरी खुल होनी चाहिए है। हर शहरी का न्याय लेने का जनसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार की वरतों करने का पूरा हक होना चाहिए है। कारपोरेशन की दुनिया का अध्ययन करते हुए यह गल पक्की है कि कारपोरेशन मॉडल नाल छोटे कारोबारी दुनिया में खत्म हुए हैं। रिलायंस और होर बड़े अदारे जो कि पंजाब की किसानी से अपनी अजारेदारी कायम करना चाहते हैं, अपनी निजी जिम्मेदारी समझते हुए इस तरह के अदारों का बाइकॉट करना चाहिए है। अज का यह इकट्ठ इस गल की तकदीर करता है कि सिख कौम मुकम्मल आजादी तक संघर्ष जारी रखेगी। इन्हां 8 मतियां नूं पास करने तो बाद एक एक करके कई प्रदर्शनकारी सामने आए अते फिर किसानां दे हक विच आवाज बुलंद कीती गई। नाल ही उन्होंने भारत सरकार नूं अगाह भी किया कि जेकर उन्होंने किसान विरोधी मतियां नूं मुड़ ना विचारिया तां इह अंदोलन भयानक रूप अख्तियार कर सकता है। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੂਟ ਦੀ ਕਿੰਨਤ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
फलाना कानून बदला ली है और तो हालत आजादी है, आजादी का बिना सिखे का कोई हल नहीं है। मैं मोदी साहब कहना चाहना कि यह पंजाब के सबूत ने, यह पंजाब के सबूत ने तेरे को दबन वाले नहीं है, तेन मुंह तोड़ में जवाब देने। ये पंजाब के सबूत ने, तू बढ़ के तो देख इधर दिल्ली तो आना, उन्हें सोचा कि यह गुजरात है, दूसरा वर्गे कांड कर लगा वो मोटा भाई या तारे बसना थे ना थे, ये तारे बसना ना थे गुजराती में बोलू तू। मैं उन्होंने गुजराती कहना चाहना भी तू समझ जा गुजराती, जी पंजाबी तेन समझ नहीं आती, ये तेरे वास का नहीं है, पंजाबियों वाल वढ़ता सही। जो तुम इस सिर्फ यही सोचते हो कि यह सिर्फ खेती दिन जिनसा का भा लाने तक गल खड़ी है, तो मैं थानू बेनती करता हाँ कि तुम प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी हाँ का एक प्रसिद्ध गीत है सिख सिख वाहक का गीत, जो तुम करो उस सारे बीज ने जो सिखी है, सिखी की जो जड़ है वो किसानी विच है। दुनिया के बहुत सारिया होर जो इस टाइम से जद्दोजहद चल रही ने, जिथे बहुत ज्यादा गिनती के होर कौम दवाया जा रहा है, उन्हों कौम ने किमें इन संघर्षा के अपने संघर्ष में लड़िया, उन्हों तो सीख के सूँ अपना प्लैनिंग करने की लड़ है, ये बहुत कुछ निकल सकता है। असी सिर्फ मुजाहरिया तक ना खड़ीए, असी तुहाडे नाल खड़े हाँ, भावें कि असी अपन जिंदगियों के किन्ने भी सिखाए हाँ, पर अपनी उस पंजाब की धरती गुरु पीर की धरती उतों के साडे किसान भरावां नूं जदों उन्हां दे नाल कोई धक्का हुंदा है तो साडा फर्ज बनता कि असी अपना जिहड़ा फर्ज है वह अदा करिए। अज तुहाडियां साडियां 90-90 साल दियां बजुर्ग मातावां, साडे बजुर्ग अज रेलवे लाइनां ते बैठे ने, ना कोई यह जहा सेफ्टी पक्ष लै रहे हैं, उन्होंने मन के मरना या जीना अज उन्होंने एक किया होया है। जिमें कत्ती जथेबंदियों ने रवायती पार्टियां एक पासे करके एक तहैया किया है कि आओ जे संघर्ष लड़ना है तो आप अपने सियासी लोगों उन्होंने भी मदद की लड़ है, पर आओ सारे कट्ठे होकर इस संघर्ष वाल तुरीए। ये लड़ाई साड़ी होद की, साड़ी हस्ती की लड़ाई है, ये मेरे चंद जमीन के किलों वास्ते नहीं, ये साड़ी विरासत है, साड़ा धर्म है। जब गुरु साहब ये कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, इन्नी कीमत है गुरु साहब ने दसी हुई, वो पानी वो धरती असी अपने को खोल नहीं देना। बहरहाल एक पासे पंजाब विच जिथे किसानों का प्रदर्शन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है, उत्थे किसानों की आवाज़ नूं सरकार दे कन्नां तक पहुँचाउण लई जिथे गायकां अते फिर होर कलाकार अगे आ रहे हैं, उत्थे ही हुण प्रवासी भारती भी किसानों की हालत की गंभीरता नूं समझदिआं उन्हां दे हक विच आ नितरे ने। पर सरकार कदों तक इन्हां दीआं मंगां नूं समझदी है, इस ते सब दीआं नज़रां जरूर टिकियां होईआं ने। बलिंदर सिंह विरमानी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़ती कला टाइम टीवी, नॉर्थ अमेरिका, कैलीफोर्निया।